मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। कहते हैं कि जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं जब जब इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है। और आज मेरा ये सपना यहाँ पर साकार हुआ कि आज हमने हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनके यहाँ पर पुतले लगाए ताकि लोग उन्हें और खासकर विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी से देखें और वो अपने भारत पर गर्व महसूस करें कि किस तरह से हमारे भारत। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। मतलब जिस तरह से ये युद्ध, गुलामी का युद्ध लड़ा और कितने लोगों ने इसमें शहादत दी है, उसके पश्चात हमें ये आज़ाद भारत मिला है। वैसे हमारा जो इतिहास है हजारों वर्ष पुराना है। सिर्फ हम वहाँ तक पढ़ाते हैं इतिहास में अकबर के वहाँ से, लेकिन उसके पहले से हमें पढ़ाना चाहिए जहाँ सुशुक थे, पाणंग थे, आर्यभट्ट थे। इन्होंने हमें कितना कुछ दिया है, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ऐसे कई लोग हमारे देश के थे। और मैंने इस पर दो किताबें लिखी हैं, एक परमवीर चक्र वॉर डायरी तथा दूसरा लिखा है भारत भाग्य निर्माता अन कहीं कहानियाँ, जिसमें 160 लोगों का समावेश है और वैदिक संस्कृति से लगाकर मैंने मोदी जी तक उसके बारे में लिखा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ी को हम ये संस्कृति दें ताकि हमारी पीढ़ी अपने भारत पर गर्व महसूस करते हुए आगे कुछ इस तरह के कार्य करें। और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ और मैं तो लोढ़ा जी से ये कहूँगी इससे भी बड़ा, जैसे कि नड्डा जी ने कहा हमारे कि इससे हाँ बिल्कुल, मेरी इच्छा है कि इससे बड़ी डबल जगह हो वहाँ पर हम इस तरह के इनके जो पुतले हैं लगाएं और इससे और भी लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। और सिर्फ साउथ मुंबई में ही नहीं, मैं चाहती हूँ हमारे पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के कार्य हों, इस तरह के उद्यान बने जहाँ लोग आएं और उनके अपना शीश नमाएं और वो भी देश के लिए कुछ भी करने का, देश के प्रति अपना ऋण चुकाने की एक कोशिश करें। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, जय हिंद।